इसमें क्या है, अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अ स्ट्रीमर का मतलब है बोट समझ लो, ठीक है। स्टीमर इज नथिंग बट बोट, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, कन्फ्यूज मत होना। स्टीमर इज नथिंग बट बोट, ठीक है। तो कन्फ्यूजन का कोई सवाल नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब एक पॉइंट है, सपोज वन पॉइंट इज ए, अनदर पॉइंट इज बी, ठीक है। सपोज जो नदी है वो ए टू बी बह रही है, तो ए टू बी वाला जो डायरेक्शन जाएगा दैट विल बी डाउन स्ट्रीम, इसको मैं डाउन स्ट्रीम कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी डायरेक्शन में हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि सपोज सपोज स्ट्रीम इसी डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। तो ये जो बी टू ए हो जाएगा दैट विल गोइंग टू बी अप स्ट्रीम, ओके। सो अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन सेवन आवर्स, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का केस, अगर मैं हेडिंग डालूं डाउन स्ट्रीम, सो डाउन स्ट्रीम के केस में व्हाट इज गिवन टू मी, टाइम इज गिवन टू मी, टाइम लग रहा है, सो टी डी लिख रहा हूँ, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, इट इज नथिंग बट सेवन आर। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन एट आर। अप स्ट्रीम के केस में जो टाइम है टी यू लिख रहा हूँ, दैट इज एट आर। जाहिर सी बात है अपस्ट्रीम का मतलब है आप विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक घंटा ज़्यादा, ओके। अब आप डिस्टेंस यू कैन टेक, डिस्टेंस आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। ये ए टू बी की जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट डी किलोमीटर, ये डिस्टेंस डी किलोमीटर है, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। डिस्टेंस इज सेम इन बोथ द केसेस यार, ओके। आप डाउन स्ट्रीम आओ अपस्ट्रीम आओ, डिस्टेंस इज सेम, ओके। ओके, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज गिवन टू यू। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग एस एस बोलते हैं, एस एस इज गिवन टू यू, कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। व्हाट यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। अरे इट्स वेरी इजी, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑल्सो, ओके। आपको डी भी निकालना है, यू हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीमर ऑल्सो, मतलब स्पीड ऑफ बोट एस बी निकालना है आपको। यू हैव टू कैलकुलेट एस बी एंड यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस, दिस इज द क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, ओके। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ओके, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की कंडीशंस दे रखी है आपको, टाइम दे रखा है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज गिवन टू यू। ओके, सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, मैं कुछ बच्चों को बेसिक्स बता दूं, ठीक है, जो बच्चे नए हैं मैं उनको कुछ बेसिक्स बताना चाह रहा हूं। डाउन स्ट्रीम के केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में अगर मैं ओवरऑल स्पीड निकालता हूँ डाउन स्ट्रीम के केस में, सो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, ठीक है। अप स्ट्रीम के केस में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, ओके। अच्छा, नाउ इफ, अच्छा अगर अब आप, इफ यू विल सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, ओके, इफ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशंस अगेन यू विल गेट टू मोर फॉर्मूलाज, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम के केस में यू विल गेट टू मोर फॉर्मूलाज, ठीक है। तो उन फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लेकिन मैं डायरेक्टली अब आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम के केस में भी डिस्टेंस इज नथिंग बट डी, सो स्पीड कितना हो जाएगा, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एस डी विल बी डिस्टेंस इज डी अपॉन टाइम मीन्स डी बाई 7, ठीक है, किलोमीटर पर आर। और यहाँ पर वट विल बी द अपस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड विल गोइंग टू बी नथिंग बट अपस्ट्रीम की कितनी आ जाएगी स्पीड, डी बाई 8, ठीक है। अच्छा, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विल गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ एस एस वाला, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज गिवन टू मी। इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा एस डी माइनस एस यू इज इक्वल टू एस बी, एस बी विल गेट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2 SS, तो SS will be nothing but एस डी माइनस एस यू अपॉन 2। अब इस इक्वेशन में व्हेन आई विल पुट वैल्यूज, बच्चों को
एक बार ज़रूर बोट एंड स्ट्रीम का वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, ठीक है, ऑलरेडी आई हैव टॉट, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, एस डी की वैल्यू इज़ हाउ मच, एस डी की वैल्यू आपको, एस डी की वैल्यू कितनी दी है, एस डी हमने कैलकुलेट करा D/7, ये देख लिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ओके, एस डी इज़ गिवन D/7, एस यू इज़ गिवन D/8 अपॉन 2, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी बहुत ईजली। अच्छा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 = D/7 -D/8, ठीक है, तो यहाँ से 7 और 8 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, 4 will be = 7 और 8 will be, what will be the LCM? 7 और 8 में एलसीएम क्या होगा, इट विल गोइंग टू बी 56 ओनली, ठीक है, सो 7 8 8D - 7D, तो यहाँ से D आ जाएगा 56 × 4, और डिस्टेंस कितनी आ गई, 6 4 = 24 कैरी 2, 224 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस। अच्छा अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द ओके, आपको निकालना है स्पीड ऑफ बोट, ओके, अब स्पीड ऑफ बोट बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम, डी आ गया तो एस डी भी आ जाएगा, एस डी विल बी नथिंग बट D/7, 224/7 विल बी 7 3 = 21 एंड 7 2 = 14, एस यू विल बी D/8, सो 8 2 = 16, ओके, एंड 8 8 = 64, ओके, तो स्पीड आ गई है किलोमीटर पर आवर, ओके, अब आपको स्पीड ऑफ बोट निकालनी है ना, बस अब आपके पास हर चीज़ है, यहाँ पर आपको ये सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए, स्पीड ऑफ बोट आप किसी से भी निकाल सकते हो, नाउ यू हैव ऑल द फॉर्मूलाज, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू SG - SS, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू SG - SS, एस डी इज हाउ मच, 32 माइनस SS इज हाउ मच, 2, इट विल गोइंग टू गिव यू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इज नथिंग बट 30 किलोमीटर पर आवर, इससे भी नहीं निकाल सकते हो आप स्पीड ऑफ बोट SD + SU/2 भी कर सकते हो, ठीक है, ओके, और आप ये भी निकाल सकते हो स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू SD + SU, 32 + 28 / 2, इट विल गोइंग टू 60/2, अगेन 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा।